मोदी के चलते यहाँ बीजेपी यहाँ से जीत रही है, सबको यहाँ देख रहा है मोदी को। मोदी फैक्टर जो है बहुत बड़ा फैक्टर है, सब मोदी को देख रहे हैं। यहाँ मोदी है, मोदी सेवा कोई यहाँ है ही नहीं। मैं पहली बार आई है, उसके बाद अभी तक नहीं, इसके बाद भी टीवी में ही देखेंगे, चुनाव में देखें उसके बाद। नमस्कार, मैं झारखंड के गांडे विधानसभा क्षेत्र में हूँ और यहाँ से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही है। ये उपचुनाव है लेकिन हाई प्रोफाइल बन गया है और कहा जा रहा है कि झारखंड के राजनीति की दिशा यहीं से तय होगी। हमारे साथ कुछ नौजवान हैं गांडे विधानसभा क्षेत्र के, आइए पूछते हैं कि यहाँ पे क्या माहौल है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जयप्रकाश गोस्वामी। जयप्रकाश जी, क्या लग रहा है यहाँ गांडे के आप लोग रहने वाले हैं, किसकी हवा बह रही है? हवा तो अभी देखिए, ये दिलीप वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जोर से भारतीय जनता पार्टी के दिलीप वर्मा और कल्पना सोरेन का भी है, दोनों में टक्कर है जबरदस्त। अच्छा, सुने हैं कि एक यहाँ निर्दलीय खड़ा है कोई बैठा, अर्जुन बैठा, उनका क्या स्थिति है? नहीं हो सकेंगे अभी। आपकी क्या राय है, पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम उदय सिंह है। गांधे विधानसभा में जब भी चुनाव हुआ है, आज से पहले भी, यहाँ पे हमेशा बीजेपी और JMM चाहे कांग्रेस पार्टी के बीच ही हमेशा शुरू से टक्कर रहा हूँ और जब तक यहाँ पे रिजल्ट नहीं आ जाता तो तब तक कोई नहीं बोल सकता कि ये चुनाव यहाँ पे कौन जीत रहा है। अभी दोनों पार्टी में टक्कर है और जब तक इसका गिनती नहीं हो जाएगा तब तक कोई नहीं बोल सकता कि ये चुनाव कौन जीतने जा रहा है। और कुछ लोगों से पूछते हैं। भैया आपका नाम क्या है? कुंदन कुमार। क्या लग रहा है, कल्पना सोरेन या बीजेपी के दिलीप वर्मा? दिलीप वर्मा। आप लोग सब यहाँ बीजेपी वाले तो नहीं है जी, कोई ऐसा तो नहीं है? आप बताएं। नहीं, हम लोग पार्टी का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग विकास पर जो विकास किया है उसी के आधारित हम लोग देखते हैं। वैसे वोट हम लोग बोल रहे हैं कि जो कल्पना सोरेन है बीजेपी, हम लोग नहीं देख रहे हैं, जो किया यहाँ उसका काम हम लोग करेंगे। अच्छा, एक बार बताइए, कल्पना सोरेन तो रांची की रहने वाली या फिर दुमका से लड़ती है, काहे गांडे आई होगी, कुछ तो अंदाजा होगा? राजनीतिक है इसमें कुछ, लेकिन यहाँ से दिलीप वर्मा जीत रहे हैं। लगता है कि गांव दिलीप वर्मा का फेवर वाला गांव है। आपका क्या नाम है? अविनाश। अविनाश। अच्छा, मोदी के चलते यहाँ बीजेपी यहाँ से जीत रही है, सबको यहाँ देख रहा है मोदी को। अच्छा, ये अहिल्यापुर गांव है, वहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ज्यादातर लोग भाजपा समर्थक हैं। आपका क्या नाम है? दिगंबर से। दिगंबर जी, क्या लग रहा है, किसके बीच यहाँ मुकाबला है, हवा कैसी है? कल्पना सोरेन और बीजेपी का। जीतेगा कौन? बीजेपी। मतलब टक्कर कल्पना सोरेन ना बीजेपी में? हाँ। लेकिन जीतेगा बीजेपी? हाँ। अच्छा, एक बात बताइएगा, एक चर्चा है यहाँ, एक निर्दलीय विधायक हैं जिनको खड़ा किया गया है, चर्चा यह है कि जो JMM के यहाँ पहले विधायक थे वो बीच में कुर्सी छोड़ दिए हैं और वही चुनाव लड़ा रहे हैं, कल्पना सोरेन तो इलाका को जानती भी नहीं, ये सच है क्या? सुनने में तो ऐसा आ रहा, हकीकत की बात, अंदर की बात तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो जितने लायक कैंडिडेट अभी फिलहाल तो नहीं है। अर्जुन बैठा? नहीं, अभी जितने लायक कैंडिडेट नहीं, वही है कि थोड़ा वो जो भी वोट अगर वो काटेंगे तो बीजेपी को थोड़ा नुकसान वो पहुँचा सकते हैं, लेकिन जनता बहुत समझदार है, हो चुकी है और सोच समझ के अपना वोट देगी। अच्छा, अर्जुन बैठा बीजेपी का वोट काट के बीजेपी को हरवा सकेंगे क्या? नहीं हरवा, बीजेपी का वोट काटना भी असंभव है, मोदी फैक्टर जो है बहुत बड़ा फैक्टर है, सब मोदी को देख रहे हैं। अच्छा, कल्पना सोरेन कैसी कैंडिडेट, इससे पहले आप देखे हैं, मिले हैं, कभी कुछ आई है यहाँ पे? नहीं, उसको देखे भी नहीं हम, फोटो में देखे हैं। जी क्या बोल रहे थे? पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने आ रही है, हम लोग तो आज तक हेमंत सोरेन के जानते थे, क्योंकि अभी तो जेल चल गया, उसके बावजूद यहाँ आके अब क्या राजनीति का पार्टी में पता नहीं चल रहा है, सरफराज अहमद उसमें इस्तीफा भी दे दिया, कुछ तो जरूर बात होगा तभी तो कर रहा है सब। चर्चा ये है कि वो बुढ़ापे का पेंशन का इंतजाम किए हैं, राज्यसभा का सदस्यता भी मिल गया है, कुछ माल भी मिल गया है, इसलिए हो सकता है, ये भी कर नहीं सकते हम, लेकिन वो भी उसका भी लालच है, लालचे पर है सब। आप देखे हैं भैया कल्पना सोरेन को, मतलब वास्तविक में, फोटो में देखे हैं, फेसबुक में, टीवी में देखे हैं?
फेसबुक का टीवी में देखे हैं? टीवी में देखे हैं। यहाँ मोदी है, मोदी सेवा कोई यहाँ है ही नहीं। अच्छा, बहुत देर से सुन रहे हैं किनारे भैया, आप बता दीजिए आपका नाम कहाँ है, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम मिथुन चौधरी है, जोगनिया टाड़ का है। कौन गांव का? जोगनिया टाड़। जोगनिया टाड़ के रहने वाले हैं? जोगनिया टाड़। क्या लग रहा है यहाँ पे, कैसा माहौल है चुनाव का? माहौल देखिए जैसा है वैसा तो होना चाहिए, जो जीते वो भगवान ही जाने। लग रहा है फिर भी आप लोग कुछ अंदाजा होगा ना, इसका नसीब होगा वही जीतेगा। नसीब नहीं, आप लोग वोट दीजिएगा तब जीतेगा ना। वोट तो देंगे उसी को जो अच्छा काम करके दिखाएगा, और जो दिखाया है उसी को देंगे। कल्पना सोरेन कैसी महिला है? कल्पना सोरेन तो हमको अभी तक मालूम नहीं है कैसा है नहीं है, लेकिन फोटो में देखे हैं। अभी फोटो देखे हैं? यहाँ के सभी लोगों का कहना है कि कल्पना सोरेन को सिर्फ फोटो या टीवी में देखें, और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आइए भैया, आप कल्पना सोरेन को देखे हैं कभी? ओरिजिनल नहीं देखे, इतना जानते हैं हेमंत सोरेन का पत्नी है। और फिर भी उसको वोट मिल जाएगा, वो यहाँ नहीं आई फिर भी? चर्चा में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी में टक्कर है। अच्छा एक बात बताइए कि सब यहाँ यही बोल रहे हैं कि कल्पना सोरेन ओरिजिनल में नहीं आई है, टीवी में देखें फेसबुक में देखें। चुनाव प्रचार में पहली बार आई है, उसके बाद अभी तक नहीं, इसके बाद भी टीवी में ही देखेंगे, चुनाव में देखें उसके बाद फिर नहीं उनको टीवी में ही देखेंगे, उसके बाद टीवी में ही मिलेंगे। अच्छा फिर भी लोग कहते हैं कि टक्कर है, टक्कर है, काहे उनको कोई वोट देता होगा, कुछ तो अंदाजा होगा ना उनको क्यों देता है? हम लोग तो बीजेपी का सपोर्ट है 400 पार इन साल। अच्छा जाति समीकरण है, नहीं आप लोग सब बीजेपी के सपोर्टर, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कोई भी अगर कल्पना सोरेन को देता होगा वोट तो क्या सोच के देता होगा? ये भी ये कहने सकते हैं, पहली बात बोल दें कि जाति समीकरण है। अच्छा जाति के आधार पर समीकरण बन रहा है, कांग्रेस का गठबंधन है तो जाति के आधार पर बढ़ गया है, सब इंडिया गठबंधन है उसके कारण अभी बीजेपी अलग इधर अलग हो गया है। अच्छा अर्जुन बैठा का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं सर। वो एक बात सच है क्या, क्यों पैसा लेके खड़ा हुआ है बहुत सुन रहे हैं? ये हम नहीं जानते हैं, जो पूछ रहे हैं हम नहीं जानते। नहीं बहुत जैसे कि बोल रहा है कि वो निर्दलीय खड़ा है ना बीजेपी का वोट काटने के लिए, निर्दलीय खड़ा है। अच्छा ये बात सही है कि वो सरफराज जी के यहाँ ठेकेदारी करता था? हाँ सही है, सही है ना। तो जिसके यहाँ वो ठेकेदारी करता था और बीजेपी के वोट काटने के लिए खड़ा है, आप ही लोग कह रहे हैं, तो कुल मिला के तो उसका बाजा बज गया? नहीं नहीं वो लालच का पर लालच है उसका पास, लालच चुनाव लड़ने के लिए। जैसे आशू और बीजेपी का गठबंधन था यहाँ पे, तो उस गठबंधन धर्म का उनको पालन करना चाहिए था। जब उनके सुप्रीमो बीजेपी के साथ थे, एनडीए के साथ थे, तो अगर वो अगर मतलब अपने अब सुप्रीमो को छोड़कर अगर अलग से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो बात है, मतलब वो पार्टी से भी अलग है वो, है ना? पैसा लेना नहीं लेना वो लोग तो देखे तो नहीं है, तो क्या बात है। लेकिन अगर वो पार्टी से निकल के चुनाव लड़ रहे हैं तो आदमी अब इतने जनता बेवकूफ़ नहीं कि अपना वोट तो बर्बाद नहीं करेगी। ये बात सच है कि बीजेपी के वोट काटने के लिए खड़ा हुआ? हाँ सच है ये बात, सच है भैया, सच है। अर्जुन बैठा बीजेपी के वोट काटने के लिए खड़े हुए? जी हो एकदम एकदम, आपको भी यही लगता है? जी पिछले बार भी जो बीजेपी 7 से 8 हज़ार वोट से जो चुनाव हारी थी उसमें अर्जुन बैठा जी 15 हज़ार वोट लाए थे, अगर इस बार नहीं ला पाए अगर चुनाव लड़ते तो शायद बीजेपी चुनाव जीत गई पिछले बार। तो यहाँ तमाम जो भी नौजवानों से मिले उनकी दो बातें समान थी, एक तो कि कल्पना सोरेन को इनमें से किसी ने नहीं देखा है, किसी ने देखा यहाँ? देखे हैं लेकिन हम रांची में रहे हैं तो देखे हैं, बट इधर इस गांव में हम कभी नहीं, मतलब इस इलाके में नहीं देखा है, टीवी पे देखा है, फेसबुक पे देखा है, फोटो में देखा। और दूसरी बात, यहाँ एक निर्दलीय खड़े हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि झामुमो ने उन्हें पैसे देकर खड़ा किया है बीजेपी का वोट काटने के लिए, और वो निर्दलीय का नाम है अर्जुन बैठा। ये तो अहिल्यापुर गांव के लोगों की राय थी, हम आगे बढ़ते हैं किसी और गांव में चलेंगे, देखेंगे वहां के लोगों की क्या राय है। नमस्कार।